बहनें काफी समय से इंतजार कर रही हैं, मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वैसे मैं भी सुबह से ही निकली हुई हूँ। देखिए, ये जो आपकी धरती है, ये बहुत सुंदर और बहुत महान धरती है। इसने हमेशा हमारे देश को मार्गदर्शन दिया। महात्मा फूले जी, साहू जी महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है। लोक साहिर अन्ना भाव साठे जी की धरती है। आज़ादी की लड़ाई के इतने महापुरुष यहाँ के हैं कि एक तरह से जो भी इस देश को के प्रति, जिसके दिल में देशभक्ति है, जो भी इस देश को चाहता है, जो भी इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उसके लिए ये धरती पवित्र धरती है। यहां से समानता, मानवता का संदेश आया, यहीं से उठा। तमाम महापुरुषों ने देश भर में ये संदेश फैलाया। यहाँ के संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी ने प्रेम समानता का संदेश फैलाया। मन में गंदगी साफ करने वाले और प्रेम जगाने वाले संत गाडगे महाराज जी भी महाराष्ट्रियन थे। आजादी की लड़ाई यहां से गांधी जी लड़े, तिलक जी लड़े, गोखले जी, बाबूराव धारवाड़े जी, स्वामी वारके जी, क्रांति सिंह नाना पाटिल जी, क्रांति सिंह नागनाथ अन्ना जी, वसंत दादा पाटिल जी, सब आज़ादी के लड़ाई में जुटे रहे। इस देश को आज़ाद करने में, इस देश के संविधान को बनाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में सबकी भागीदारी थी। और आप सबके पूर्वज, यहाँ के किसान, यहाँ की आम जनता भी उस आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई। इसीलिए यहाँ आकर गर्व महसूस होता है। यहाँ आकर ऐसे लगता है कि वो जो आधार है हमारी राजनीति का, उसे निभाना चाहिए। वो जो असूल हैं, उन्हें कायम रखना चाहिए। जिन पर हमारी, हमारे देश की नींव डली, उन्हें मजबूत रखना चाहिए। इसीलिए चुनाव के समय खास तौर से जब मैं देखती हूँ कि तमाम दलों के नेता आते हैं, भाषण देते हैं, बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के मंत्री और बहुत मशहूर मशहूर नेतागण, तो मेरे दिल में, मुझे नहीं मालूम कि आपके दिल में ये उम्मीद होती है कि नहीं, लेकिन तो मेरे कुछ सकारात्मक बोलेंगे, देश की भलाई के लिए बोलेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हों। और एक उम्मीद ये भी होती है कि कहीं ना कहीं सच्चाई बोलेंगे। इसीलिए जब मैं उनके भाषण देखती हूँ और उनकी बातें सुनती हूँ, तो चाहे वो किसी और पार्टी के ना हो, निराश हो जाती हूँ। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भाषण मैं आजकल सुन रही हूँ, निराश करने वाले भाषण हैं, क्योंकि उनमें सच्चाई नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि कह कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से हम ये उम्मीद नहीं रखते। हम उम्मीद रखते हैं कि हमने इनमें अपना विश्वास डाला है, तो कम से कम उस विश्वास के आधार पर, उनकी जो हमारे प्रति जिम्मेदारी बनती है उसके आधार पर, वे हमें सच बोलेंगे और अच्छी सकारात्मक बातें करेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। अफसोस ये है कि महाराष्ट्र में खास तौर से आपकी इस धरती का अपमान हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि जो उनके असूल हैं वो रोज रोज तोड़े जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी मंच पे आते हैं, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, नाम लेते हैं बाला साहेब ठाकरे जी का, और जब प्रतिमा बनने जाती है शिवाजी महाराज जी की, तो उस प्रतिमा को पूरा करने का काम ही नहीं करते। एक प्रतिमा बनी, वो दह गई, उसमें इतना भ्रष्टाचार था। दूसरी प्रतिमा को पार्लियामेंट से निकाला गया, संसद से हटा दिया गया। तीसरी प्रतिमा का शिलान्यास किया 7 साल पहले, आस्ते आस्ते काम बंद हो गया, उसको बनाया ही नहीं। बाल ठाकरे जी की बात करते हैं और उन्हीं के बेटे के की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए 10 सालों में किया क्या? 2.5 साल से यहाँ पे महायुति सरकार है, 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यहाँ के किसानों के लिए किया क्या? किस मुंह से किसानों के लिए बात कर रहे हैं? तो जो जो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। महिलाओं की बात करते हैं, चुनाव के 4 महीने पहले महिलाओं के लिए एक स्कीम निकाल दी, 1500 रुपये आपको हर महीने देने की। अभी तक क्या कर रहे थे? जब आपका समय आ रहा था त्योहार मनाने का, किसी के घर में किसी की शादी कराने का, तब महंगाई इतनी थी कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ खरीद नहीं पा रहे, कुछ मना नहीं पा रहे हैं। आप दुकान जाती हैं, आधी चीजें छोड़ के वापस आ जाती हैं। कोई बीमार पड़ जाता है, घर में घबराहट हो जाती है कि हम इनका इलाज कैसे करेंगे। बच्चों की फीस देनी पड़ती है, आप लोन लेके फीस दे रहे हो। माँ बाप दिन रात काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन महंगाई का सामना हो ही नहीं पा रहा है। चाहे कितने भी लोग काम कर रहे हैं एक परिवार में, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सब झुक गए हैं उसके बोझ से। और मोदी जी आपके सामने मंच पर आते हैं, चुनाव के लिए आपकी एक स्कीम बना देते हैं लाडली बहना, और वो सोचने लगे हैं कि इस स्कीम से 4 महीनों में आपको 1500 रुपये दे देकर आपके वोट ले लेंगे। और आपसे कितना लिया है इन सालों में, कितना खर्चा करना पड़ रहा है आपको छोटी सी साधारण चीजों के लिए, ये कोई पूछ भी रहा है? तो एक तरह से मुझे लगता है कि एक नई परंपरा शुरू कर ली है इन्होंने 10 सालों से भारत की राजनीति में, जो हमारे पूर्वजों की, हमारी आजादी की लड़ाई की, हमारे संविधान की जो परंपराएं हैं उनके विपरीत है। ये इनकी जो परंपरा है, इसमें इनके लिए जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जनता को जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। ये बात अंदर इनके एक एक नेता के अंदर बस चुकी है, उनके दिलों में बस चुकी है। वो आज समझते हैं कि चुनाव आएगा, हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जनता को बांट देंगे, हमें वोट मिल जाएगा, हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। और उनके भाषणों से पता चलता है, उनके व्यवहार से पता चलता है। आज इनका एक एक नेता कभी आपके बीच नहीं आएगा, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, इनके नेता ही नहीं आते आपके बीच, मंत्री नहीं आते, आपसे मिलते जुलते नहीं हैं। इनको कैसे मालूम कि आपके संघर्ष क्या हैं, आपका जीवन क्या है, आप किस तरह से अगला दिन देख रहे हो, किस तरह से आप संघर्ष कर रहे हो, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरह से कट गए हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। इसीलिए खास तौर से चुनाव के समय आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं, और आपकी जो असली ज़रूरतें हैं उनके बारे में बात नहीं होती, चर्चा नहीं होती। आप सोचिए, यहाँ का किसान त्रस्त है, परेशान है। यहाँ के जो दूध उत्पादक किसान हैं उनको सही दाम नहीं मिलता। यहाँ गन्ने के किसान हैं, FRP का सही दाम मांग मांग के थक गए हैं, नहीं मिलता। किसान आज जब खेती करता है वो कमा नहीं पाता ज़्यादातर, क्योंकि हर चीज़ पे उसको टैक्स देना पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो गई है।
उसको सरकार की तरफ से समर्थन नहीं मिलता, मदद नहीं मिलती। उसी तरह से अब नौजवानों को देखो, यहाँ पे इतनी संस्थान, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, उसके बाद क्या होता है? रोजगार नहीं मिल रहे हैं। 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं महाराष्ट्र में, 2.5 लाख पद खाली हैं। तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन वो पद भरे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जवाबदेह नहीं रही। क्योंकि आज के नेता सोचते हैं कि आपके प्रति उन्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पद खाली पड़े हैं, पड़े रहने दीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, ये क्या मेहनत कर रहे हैं? ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आपकी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ से महाराष्ट्र से निकाल के दूसरे प्रदेश में भेज रही हैं, ये है इनकी मेहनत कि सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दो, अडानी जी को दे दो सब कुछ, बंदरगाह दे दो, सड़कें दे दो, हवाई अड्डे दे दो, धारा भी दे दो, सब कुछ उन्हीं को दे दो। किसान की बात होती है, कर्ज माफ करने की बात होती है, पैसे नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, आपके लिए पैसे नहीं है, आपके लिए समय भी नहीं है। नीतियां नहीं निकालेंगे आपके विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए। जहां मौका मिले वहां कमजोर किया जा रहा है। मेरे पास आंकड़े भी हैं, 10 लाख करोड़ का निवेश यहां से हटा है, 8 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से बाहर चली गई हैं, 6000 से ज्यादा उद्योग बंद हो चुके हैं यहां। तो रोजगार कहां से बनाएंगे? जहां जहां से रोजगार बनता था वहां उन्होंने दबाया है जनता को। खेती से बनते थे रोजगार, आज खेती की ये स्थिति हो गई है देश भर में कि कमाई नहीं होती, तो रोजगार कैसे बनेंगे? छोटे उद्योगों से बनते थे, मीडियम उद्योगों से बनते थे, दुकानदारों से, जीएसटी करके, गलत नीतियां करके आपकी भी कमर तोड़ी है। पीएसयू से बनते थे रोजगार, पीएसयू की सब्सिडरीज से, आस्ते आस्ते सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे रहे हैं। तो रोजगार बनाने की योजना क्या है? कोई योजना नहीं है, इसलिए चुनावी मंच पर आकर आपके ध्यान भटकाने की बातें होती हैं और कुछ नहीं होता। यहाँ पे महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट आ रहा था, हटा दिया, गुजरात गया। एयरबस का प्रोजेक्ट आ रहा था, गुजरात में डाल दिया। सैफरन का प्रोजेक्ट आ रहा था, वो भी निकाल दिया यहाँ से। बल्क ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था, वो भी हटा दिया महाराष्ट्र से। चौंकने की बात तो ये है कि चुनाव खत्म भी नहीं हुआ है, मोदी जी खुद हट गए, निकल गए, देश के बाहर चले गए हैं दौरा करने के लिए। इतना भी सम्मान नहीं है कि ये चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री हैं देश के, चुनाव का प्रचार खत्म करके तो जाएं, क्योंकि उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका विकास हो, उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं रहा। बहुत सत्ता में रहे हैं, 10 सालों से ज्यादा हो गए हैं अब, तो ये मनसा हो गई है, ये मानसिकता हो गई है कि बस कोई बात नहीं, हम अपना करते रहेंगे, जनता तो पूछेगी नहीं, समय आएगा तो जनता को भटका देंगे, फिर से धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे। मुंबई में मैंने उनका भाषण देखा, मेरे भाई के बारे में कह रहे थे कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है, पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे, पंडित नेहरू ने तो आरक्षण शुरू किए, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले पैदल, लोगों से मिलते मिलते, और मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने यात्रा की, किस लिए? न्याय यात्रा। हर जगह यही कहा, जाति जनगणना होनी चाहिए, 50% की जो सीमा है आरक्षण पे वो हटनी चाहिए, हर जगह कहा। तो क्या सोच रहे हैं मोदी जी, क्या सोच रहे हैं मोदी जी? सोच रहे हैं कि देश देख नहीं रहा है, देश देख नहीं रहा है कि एक व्यक्ति 4000 किलोमीटर चल रहा है,
उसकी यही मांग है और आप मंच पे खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, ये तो आरक्षण के खिलाफ है। आप संविधान की बात कर रहे हैं मंच पे खड़े होकर, और जो जनता ने सरकार चुनी महाराष्ट्र के लिए, आपने धनबल के आधार पर घूस दे देकर हजारों करोड़ रुपए देकर उस सरकार को चोरी कर लिया, और आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप संविधान को बचाएंगे? आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपके विधायक तो बिक रहे हैं, आपने खरीदे हैं, और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और किस किन पैसों से खरीदे हैं, कहां से आए ये हजारों करोड़, ये सौ सौ करोड़ जो हम पढ़ते रहते हैं मीडिया में कि इस विधायक को इतने करोड़, उस विधायक को, कहां से आए ये पैसे, किसके पैसे हैं? आपकी हिम्मत कि आप मंच पे खड़े होकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि दुनिया भ्रष्ट है, आप पाक हैं, सरकारें खरीद रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने खरीदी सरकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार हमारी जनता चुनेगी, आप जो यहां बैठे हैं मेरे भाई बहन, आप चुनेंगे, हमारे संविधान ने आपको वोट की शक्ति दी है, आपको हक दिया है सरकार को बनाने का, सरकार को हटाने का। आप सरकार बनाते हैं, और मोदी जी ने नई परंपरा शुरू की है इस देश में कि सरकार खरीदी जा सकती है, कि सरकार इस तरह से जोड़ तोड़ करके तोड़ी जा सकती है, चोरी की जा सकती है, और ये आपको बताएंगे संविधान के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, आरक्षण के बारे में। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, ये जितने भी नेता इस मंच पे खड़े हैं, आपने खड़ा किया है, जितने नेता इस मंच पे आज बैठे हैं, आपने बिठाया है। हम यहां नहीं हो सकते अगर आपने अपनी शक्ति हमें नहीं दी। ये जो शक्ति आप देखते हैं, ये बड़े मंच, ये लाइटें, ये सब आपकी शक्ति है। आंखें खोलिए, अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य बनाना है तो खड़ा होना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा सच्चाई को। आपकी परंपरा रही है, आपके प्रदेश ने हमेशा सच्चाई को पहचाना है, बाकी देश में कुछ भी हो जाए, आपने हमेशा रास्ता दिखाया है। मैंने शुरू में कहा, हम आजाद नहीं होते अगर आपके महापुरुषों ने, आपके किसानों ने, यहां की जनता ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी होती। तो आज आंखें मूंद के क्यों बैठे हैं? आज ये सब देख रहे हैं अपने सामने, सारा नंगा नाच हो रहा है और आप कुछ कह नहीं रहे हैं, चुप हैं, देश देख रहा है, आप देख रहे हैं। यहां मेरी बहनें महंगाई से पिस रही हैं, किसान तड़प रहे हैं, नौजवान रोजगार देख ढूंढ ढूंढ के भटक रहे हैं, हर जगह मिल नहीं रहा है रोजगार। सब संघर्ष आप करें, सब मेहनत आप करें, ईमानदारी से आप अपना जीवन जीने की कोशिश करें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जो सरकार चला रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, उसको क्या ईमानदार होने की जरूरत नहीं है? उसको दिन रात काम करने की जरूरत नहीं है क्या आपके लिए? सिर्फ मंच पे आए और आपको बहका दें, ये काफी है? कब से होने लगा ये, कब से ये नई परंपरा बन गई हमारे देश में? आपने बनने क्यों दी? बंद करा दीजिए इसको, अब बहुत हो गया है, 10 सालों से ज्यादा हो गया है। आप मोदी जी, उनके नेताओं की सारी राजनीति देख रहे हैं, समझ लीजिए क्या है, विकास नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी सेटिंग होनी है उस सब की सेटिंग हो रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी देख लिया आपने, आजकल कुछ नहीं छिपता, सोशल मीडिया पे सब कुछ दिख जाता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और हाँ, एक चीज मोदी जी ने अपने मुंबई के भाषण में कही जिससे मैं सहमत हूं, कि सच्चाई एक दिन निकल आती है, और आज अगर मेरी एक आशा है, एक उम्मीद है कि मेरी देश की ये जनता जो हमेशा जागरूक रही है, मेरी ये बहनें जो रोज संघर्ष कर रही हैं, कोई इनकी सहायता नहीं कर रहा है,
किसान भाई जो कड़ी धूप में खून पसीना बहा रहे हैं इस देश के लिए, जिनके बेटे सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, मेरी ये आशा है, ये उम्मीद है कि आप जागेंगे, कि आप इस देश की राजनीति को फिर से बदल डालेंगे, कि आप एक नई सरकार लाएंगे अपने प्रदेश में जो आपके लिए काम करे, जिनकी नीतियां आपके लिए बने, बड़ी बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं, आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनने वाली बनाने वाली नीतियां बने, ये उम्मीद है मेरी आपसे। आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, हमारा गठबंधन, कुछ गारंटी दे रहा है आपके लिए। हम कह रहे हैं हम कुछ चीजें करके दिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि हमारे मुंह से ये बातें निकल रही हैं, इस पे मत जाइए। आप देखिए कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जिन प्रदेशों में हमने गारंटी की बात की, क्या उन प्रदेशों में ये गारंटी लागू हो रही है कि नहीं, खुद देखिए। किसी को फोन करिए कर्नाटका में, किसी से पूछिए तेलंगाना में, हिमाचल में किसी से पूछिए कि वाकई ये चीजें कर रहे हैं। आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी थी, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने किसानों के कर्ज माफ करने शुरू किए। आपको पता चलेगा कि जो गारंटी हमने दी थी वो आज भी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पूरी हो रही हैं। और जब आपको ये पता चलेगा तो आपको सोचना चाहिए कि जो 2.5 साल से सरकार में रहे हैं, आपको चुनाव के 3 महीने पहले 1500 रुपये पकड़ा कर आपका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बगल में एक प्रदेश है जहां जिस दिन सरकार बनी उस दिन से गारंटी पूरी होनी शुरू हो गई। हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए कितना संघर्ष है। मैं अच्छी तरह जानती हूं बहन जी, बहनों, कि चाहे आप बाहर जॉब करें, चाहे आप खेती करें, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं बाहर, आप घर आके भी काम करती हो। और हम सब महिलाओं का यही सिलसिला है, कुछ अलग नहीं है। ये नहीं है कि कोई बड़े घर का हो तो भूल सकता है कि घर पे परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों का खाना देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, बच्चों की सेहत देखनी है। तो हम चाहे बाहर भी काम करें, घर आकर भी काम करते हैं, आखिर में सोते हैं, परिवार के सारे सदस्य सो जाते हैं तभी महिला सोती है। समाज का बोझ महिला उठाती है, भविष्य महिला बनाती है, क्योंकि बच्चों की परवरिश भी महिला करती है। इसीलिए हमारी सोच यह है कि जो गृहस्थ महिलाएं हैं उनको 3000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, कुछ सहायता मिले इस महंगाई के जमाने में, ताकि कम से कम थोड़ी बहुत अपना खर्चा, अपनी जो बचत है थोड़ी बहुत कर पाए। हमारी गारंटी है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे और हम 50% जो आरक्षण की सीमा की कैप, जो कैप है, उसको हम हटाएंगे। राजस्थान में हमारी सरकार थी, 25 लाख की बीमा कराई थी हमने वहां स्वास्थ्य के लिए, 25 लाख तक पूरा इलाज मुफ्त होता था। मैं कैंसर के पेशेंट से मिली, उसके आंखों में आंसू थे, कहने लगा कि दीदी मेरा सारा इलाज हो गया, मैं ठीक हो गया हूँ, मैंने एक पैसा नहीं दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पैसे दिए। मुझे भी गर्व हुआ, क्योंकि हम लोग काम भी इसलिए करते हैं, हमें भी गर्व तब होता है जब आपकी भलाई होती है, जब कुछ सकारात्मक कर पाते हैं। मैं फिर एक हार्ट पेशेंट से मिली, हार्ट की सर्जरी की थी, मुफ्त में हुई। वही स्कीम हम यहाँ लाना चाहते हैं कि 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा आपको मिलेगा, मुफ्त दवा मिलेगी। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज हम माफ कराएंगे और नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए भी आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। युवाओं से हमारा वचन है कि जो 2.5 लाख नौकरियां, रोजगार खाली पड़े हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी भरेंगे। ये नहीं होगा कि खाली पद पड़े हैं
और बेरोजगार बच्चे हैं और वो पद नहीं दिए जा रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं होगा हमारी सरकार में। और एक बेरोजगारी का भत्ता भी हम 4,000 रुपए नौजवानों को देना चाहते हैं। देखिए, चुनाव के समय जैसे मैंने कहा, इधर उधर की बातें बहुत हो सकती हैं। मैंने ये भी कहा कि मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आप जाग जाओगे। इसका मतलब क्या है? चुनाव को अपनी समस्याओं के बारे में बनाओ। जिस तरह से महाभारत में श्री अर्जुन ने जब निशाना मारा, उनको सिर्फ मछली की आंख ही दिखी और कुछ दिखा नहीं, आप भी अर्जुन बन जाओ। आपको सिर्फ यही दिखना चाहिए कि हमारे लिए क्या काम किया जा रहा है, सकारात्मक चीज क्या की जा रही है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। हमें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ये सरकार क्या करने को तैयार है? क्या इन नेताओं को ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं ये नेता कि हमारे बच्चों के भविष्य को इन्हें मजबूत करना है? क्या अगर इनकी सरकार बनेगी तो हमारी बहनें, महिलाएं और मजबूत बनेंगी, इन्हें सशक्त करने का काम होगा कि नहीं होगा? क्या किसानों के लिए सहूलियत मिलेगी, सहायता मिलेगी? क्या हम सब कमा पाएंगे जब हम मेहनत करेंगे? क्या भ्रष्टाचार थोड़ा कम होगा? आप इन चीजों पर ध्यान रखिए, आप अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर रखिए। आप देश की जनता हो, आपने देश बनाया है, ये देश आपका है। सतर्क हो जाओ, जागरूक हो जाओ। चुनाव में भारी से भारी बहुमत से महाविकास आघाड़ी के हर कैंडिडेट को, हर उम्मीदवार को भारी से भारी बहुमत से जिताओ, ताकि कोई आपकी सरकार चोरी ना कर पाए इस बार, कोई घूस देकर विधायकों को खरीद ना पाए। असूलों पे बने सरकार, विकास के आधार पर बने सरकार, जो सरकार आप चाहते हैं वो सरकार बने। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति है कि जो हम इस मंच पर कह के गए हैं उसको हम पूरा करेंगे, कि हम भी ईमानदारी से मेहनत करेंगे आपके लिए दिन रात, कि हम आपको एक ऐसी सरकार देंगे जिस पे आपको गर्व हो, जो आपके महाराष्ट्र को फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं मैंने आपसे, लेकिन मैं देख रही हूं आप ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप थक गए हैं। सरकार से उम्मीद रखते हैं मदद हो, भविष्य बने, रोजगार मिले, मजबूती बने। तो मैं आपको यहाँ खड़े होकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम ऐसी सरकार आपको दें। यहाँ कोल्हापुर में कांग्रेस परिवार का पुराना नाता है आपके नेताओं के साथ, बंटी पाटिल जी बैठे हैं, इनके पिताजी मेरे पिताजी और मेरी दादी जी को अच्छी तरह जानते थे। शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी। यहाँ हमारे कई उम्मीदवार हैं आज, इसके लिए चश्मे की ज़रूरत है। दादा गणपत राव जी कहाँ आइए, ऋतुराज पाटिल जी, राजू अवाले जी, मदन करंदे जी, राजू लाटकर जी, नंदा बबुलकार जी, राहुल पाटिल जी, केपी पाटिल जी, ये हमारे उम्मीदवार हैं, इनको भारी से भारी बहुमत से जिताई। ये आपकी लड़ाई है, इस देश के संविधान की लड़ाई है, ये आपके जीवन आपके भविष्य की लड़ाई है, ये सच्चाई की लड़ाई है,
खड़े हो जाइए हमारे साथ, कंधे से कंधा लगाइए।